नमस्कार सिस्टर कर्लत, आप दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त इंडिया के दौरे पर है, जहां पर 3 मैचों की ODI सीरीज खेली जा रही है। जी हां, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बाद अब ये दोनों टीमें ODI में भिड़ती हुई नजर आ रही है। बिल आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम ने भले ही वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है, लेकिन उनके इस घमंड को भारतीय वुमेन्स की टीम ने पहले ODI मैच में ही तोड़ दिया। जी हां, फर्स्ट ODI मैच में भारतीय वुमेन्स की टीम ने 59 रन से दर्ज की और यहाँ पर न्यूजीलैंड को वो पटखनी देती हुई नजर आई थी। तो देखिए, सीरीज की जो शुरुआत है वो भारतीय टीम ने जीत के साथ करती है, लेकिन क्या अगला मुकाबला भारतीय टीम जीतने में कामयाब रहेगी ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को कम आंकने की गलती ना की जाए, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग है। हाल ही में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का भी खिताब जीता है, तो ऐसे में सीरीज को अगर इंडिया वुमेन्स की टीम को जीतना है तो सेकेंड ODI मैच में जीत दर्ज करनी बेहद ही जरूरी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया वुमेन्स वर्सेज न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच होने वाले सेकेंड ODI मैच को लेकर, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा 27 अक्टूबर यानी कि संडे के दिन दोपहर 1:30 बजे। तो दोस्तों देखिए, पिच रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मुकाबले अभी तक खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और मात्र 1 मुकाबला यहाँ पर सेकेंड बैटिंग करते हुए टीम ने अपने नाम किया है। फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर रहा है 208 का, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाया है भारतीय वुमेन्स की टीम ने 256 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बांग्लादेश वुमेन्स ने दर्ज किया है 96 का। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो स्कोर बिलो 200 बना है 2 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 200 and 249 बना है 2 टाइम्स, तो वहीं स्कोर बिटवीन 250 and 299 बना है 1 टाइम। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पिच रिपोर्ट के बारे में, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर बॉलर्स की परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि जो एक ODI मैच इस पिच पर खेला गया है वहाँ पर किन बॉलर्स के लिए ये पिच फायदेमंद साबित हुई है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 17 विकेट यहाँ पर चटकाए गए हैं पहले ODI मैच में, जिसमें से 7 विकेट लिए हैं पेसर्स ने, तो वहीं 10 विकेट पर कब्जा किया है स्पिनर्स ने, यानी कि ये पिच स्पिनर्स के लिए थोड़ी ज्यादा फायदेमंद साबित होती हुई नजर आ रही है। हेड टू कंपैरिजन की बात करें तो 55 टाइम्स दोनों टीमें आमने सामने भिड़ चुकी हैं ODI में, और इंडिया वुमेन्स की टीम ने 25 मैचेस में जीत दर्ज की है, तो वहीं न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम ने 29 मैचेस अपने नाम किए हैं, साथ ही 1 मुकाबला इस पिच पर टाई रहा है। अब पहले ODI मैच में देखिए, यहाँ पर हरमनप्रीत कौर जो है वो खेलती हुई नजर नहीं आई थी, ऐसे में कप्तानी करती हुई नजर आई थी स्मृति मंधाना, और स्मृति मंधाना की कप्तानी में जो है यहाँ पर 2 खिलाड़ियों को डेब्यू करने का भी मौका मिला, साथ ही इस मुकाबले में जीत भी दर्ज कर ली गई। वैसे में देखना बहुत दिलचस्प रहेगा क्या हरमनप्रीत कौर जो है वो एज अ कैप्टन वापसी करती है सेकेंड ODI मैच में या फिर नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर नजर डाल लेते हैं इंडिया वुमेन्स की प्लेइंग 11 पर। तो देखिए, स्मृति मंधाना यहाँ पर एक बार फिर से कप्तानी करती हुई नजर आ सकती हैं। शेफाली वर्मा है, यास्तिका भाटिया, दयालन हेमलता, जमाइमा रोड्रिगेस, दीप्ति शर्मा, तेजल हस्प्रिंस, ये वही खिलाड़ी हैं दोस्तों जिनके लिए ये पहला ODI मैच डेब्यू मैच था। इनके अलावा राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, तो वही अगला नाम है साइमा ठाकुर का जिन्होंने इस मुकाबले में अपना डेब्यू किया था, और आखिरी नाम है यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर का। तो ये है वो 11 खिलाड़ी जो कि एक बार फिर से सेकंड ODI मैच में हमें खेलती हुई नजर आ सकती हैं और न्यूजीलैंड को पटखनी देती हुई भी दिखाई दे सकती हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होते हैं तो मात्र 1 बदलाव हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि हरमनप्रीत कौर जो है, जो कि पहले मैच में बैन कर दी गई थी, वो इस मुकाबले में वापसी कर सकती हैं, जो कि 50-50 चांसेस हैं यहां पर। तो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा क्या हरमनप्रीत कौर एज अ कैप्टन इस मुकाबले में खेलती हुई नजर आएंगी, और अगर वो खेलती है तो किस खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल देखिए, इंडिया वुमेन्स के की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो कि इस मैच में यानी कि सेकंड ODI मैच में न्यूजीलैंड की टीम को कड़ी टक्कर देते हुए, अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में मददगार हो सकती हैं। तो पहला नाम है यहाँ पर तेजल हस्ब्रिंस का, 42 रन उन्होंने स्कोर किए थे 65.62 के स्ट्राइक रेट से। शेफाली वर्मा का नाम हमने शामिल किया है जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ODI मैच में 33 रन स्कोर किए थे 150 के स्ट्राइक रेट से। स्मृति मंधाना ने देखिए पहले ODI मैच में भले ही अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इस मुकाबले में वो अच्छी बल्लेबाजी करती हुई नजर आ सकती है। देखिए अगर उनके ओवरऑल स्टैट्स की बात की जाए तो 85 ODI मैचेस में 3585 रन वो स्कोर कर चुकी है, उनका स्ट्राइक रेट रहा है 85.07 का। अगला नाम है दीप्ति शर्मा का जो कि एक अच्छी ऑलराउंडर साबित हो सकती हैं अपनी टीम के लिए। फर्स्ट ODI मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जहां बल्लेबाजी करते हुए 35 रन स्कोर किए थे, तो वहीं 1 विकेट भी उन्होंने अपने खाते में जोड़ा था। बॉलर्स में देखिए यहां पर राधा यादव है जिन्होंने 3 विकेट चटकाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 के इकोनॉमी रेट से, तो वहीं आखिरी नाम है यहां पर
साइमा ठाकुर का, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में, जी हाँ, 2 विकेट अपने खाते में जोड़े थे 3.70 के इकोनॉमी रेट से। तो ये है अब भारतीय टीम की वो खिलाड़ी जो कि इस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। अब फिलहाल देखिए बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर कप्तानी कर रही है सोफी डिवाइन। उनकी कप्तानी में जिन 11 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है उनके नाम है सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, एमेलिया कर, सोफी डिवाइन, ब्रूक हेलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेल गेस, लॉरेन डाउन, जेस कर, मॉली पेनफोल्ड और ईडन कार्सन। तो ये 11 खिलाड़ी होंगे जो कि हमें भारतीय टीम के खिलाफ नजर आएंगे न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में। अब बात करें यहाँ पर न्यूजीलैंड वुमेन्स की प्लेयर्स के बारे में, तो देखिए पहले ओडीआई मैच में इंडिया के खिलाफ मैडी ग्रीन ने 31 रन बनाए थे 96.88 के स्ट्राइक रेट से। तो देखिए एमेलिया कर का नाम हमने शामिल किया है जो कि सेकंड ओडीआई मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ओडीआई मैच में एमेलिया कर ने बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से ही शानदार प्रदर्शन किया था, जहां बल्लेबाजी करते हुए इंडिया के खिलाफ उन्होंने 25 रन स्कोर किए थे 108.70 के स्ट्राइक रेट से। तो वहीं गेंदबाजी में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, 4 विकेट उन्होंने अपने खाते में जोड़े थे 4.70 के इकोनॉमी रेट से। अगला नाम है जेस कर का, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए थे पहले ओडीआई मैच में 5.80 के इकोनॉमी रेट से। तो वहीं आखिरी नाम है यहाँ पर ईडन कार्सन का, जिन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए थे 4.20 के इकोनॉमी रेट से। अब फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन की भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। अब देखिए इस मुकाबले में आपको बता दें कि टॉस जो है वो बहुत अहम रोल अदा करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली जीत दर्ज करने वाली है दोस्तों, क्योंकि पहला मुकाबला भी भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता था और वहां पर उनका लग भी साथ दिया था, क्योंकि वहां पर भारतीय टीम जो है वो टॉस जीती थी और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का उन्होंने फैसला किया था, और पहले बल्लेबाजी का जो फैसला था वो भी सही साबित हुआ और टीम ने जीत भी दर्ज की। अब ऐसे में सेकंड ओडीआई मैच में क्या भारतीय टीम का लक साथ देगा, क्या यहाँ पर टॉस जीतकर जो कप्तान है भारतीय टीम की वो पहले बल्लेबाजी करना चुनती है, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। टीम के परफॉर्मेंस के हिसाब से बात की जाए तो देखिए पहले अगर बल्लेबाजी करती है भारतीय टीम तो डेफिनेटली यहाँ पर जीतती हुई नजर आ सकती है, यानी कि 60% चांसेस यहाँ पर भारतीय टीम की जीत के नजर आ रही है, तो वहीं 40% चांसेस न्यूजीलैंड की जीत के भी नजर आ रही है। वेल दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम सेकंड ओडीआई मैच में जीत दर्ज करने वाली है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपकी अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।